Assalamu alaikum dear students, I am Muhammad Ali from channel Friends Physics. Today we will study laws of Kirchhoff. Before starting Kirchhoff laws, a simple introduction of circuits, that you can divide the circuits into two categories. Simple circuits, complex circuits. Aise circuits in which a single battery, a single loop or simple branches exist, like this circuit given, a switch S with S. ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए या इसमें करंट और वोल्टेज की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम सिंपली यूज कर सकते हैं ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर विच सिंपली गिव अस अ रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस एनी रेजिस्टिव एलिमेंट. अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल सेल्स हैं, जैसे यहाँ पर दो बैटरीज लगी हुई हैं, मोर देन वन लूप्स हैं, ये लूप वन है, ये लूप टू है, कॉम्प्लेक्स ब्रांचेज हैं, मतलब करंट्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं किरचॉफ लॉज. किरचॉफ दो लॉज हैं, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ. इसकी डिटेल्स में जाते हैं हम. तो नंबर वन पे टॉपिक 13.9 है किरचॉफ लॉज. किरचॉफ करंट रूल स्टार्ट करते हैं. सिंपल डेफिनेशंस पे रहना है, मैं भी कोशिश करूँगा कि एम्पिरिकली आपको ये लेक्चर एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको आपके एफएससी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करने में आसानी हो. मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी किए जा सकते हैं, बट आपने भी इस थिंकिंग पर रहना है कि आप मिनिमम अप्रोच के साथ टॉपिक को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो किरचॉफ करंट रूल ये कहता है कि सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो. किसी एक पॉइंट पर जितने भी करंट्स आपस में आकर मिलेंगे उनका सम ज़ीरो होना चाहिए. अब ये सम ज़ीरो होना चाहिए, इससे आगे कुछ फर्दर चीज़ें ये निकलती हैं कि इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी पॉइंट में एंट्रिंग चार्ज बराबर होना चाहिए लिविंग चार्ज के. अब करंट्स का सम ज़ीरो एक सूरत में हो सकता है अगर हम एक कन्वेंशन अडॉप्ट करें. वो कन्वेंशन ये है कि एंट्रिंग करंट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव एंड लिविंग करंट शुड बी टेकन एज नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है किसी ब्रांच का, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है आई वन, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है आई टू, यहाँ करंट फ्लो करके जा रहा है आई थ्री और यहाँ करंट फ्लो करके जा रहा है आई फोर. अब अगर आप देखें तो ये दो करंट्स इस पॉइंट में एंटर हो रहे हैं और ये दो करंट्स इस पॉइंट को लीव कर रहे हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये है कि जितना करंट इस पॉइंट में एंटर हो रहा है उतना ही इस पॉइंट से लीव करना चाहिए. सो वी विल राइट एन इक्वेशन. चूंकि ये दोनों करंट्स एंटर हो रहे हैं इस पॉइंट में, तो हम लिखेंगे जी आई वन प्लस आई टू. ये दोनों करंट्स लीव कर रहे हैं, लिविंग करंट के साथ साइन क्या रखना है, नेगेटिव. तो नेगेटिव आई थ्री, नेगेटिव आई फोर, दिस ऑल शुड बी इक्वल टू जीरो. इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर दें तो इट बिकम्स आई वन प्लस आई टू must be equal to I3 plus I4. अब इसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि लेट्स से आपके पास एक ब्रांच है A, B, C, D and O. लेट्स से O में एंटर हो रहा है करंट 2 एम्पेयर, B से O में करंट एंटर हो रहा है 5 एम्पेयर, O से C को लीव कर रहा है एक करंट 1 एम्पेयर. अब आपसे ये पूछा जाए कि O और D पार्ट में कितना करंट है और उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आपने यही रूल जेन में रखना है कि सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो. देखें पहले ये देखेंगे इस पॉइंट में एंटरिंग करंट कितना है, 5 प्लस 2 7 एम्पेयर्स. एंटर कितना करंट हो रहा है, 7 एम्पेयर. लीव अभी तक कितना कर रहा है, 1 एम्पेयर. इसका मतलब है रिमेनिंग लिविंग करंट कितना होना चाहिए, 6 एम्पेयर, सो दैट द एंटरिंग करंट शुड बी इक्वल टू लिविंग करंट. सो करंट की डायरेक्शन लिविंग होगी और करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 एम्पेयर होगा. तो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स. फिर इसी तरह ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, लेट्स से यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है आई वन, यहाँ आई टू, यहाँ आई थ्री और यहाँ पे लीव कर रहा है आई फोर, आई फाइव, आई सिक्स, आई सेवन. सो नो नीड टू वरी. सिंपल एंटरिंग करंट आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री
इट मस्ट बी इक्वल टू i4 प्लस i5 प्लस i6 प्लस i7। तो ये जरूरी नहीं है कि जितना टू ब्रांचेस में से एड एंटर हो रहा है तो टू में से लीव करेगा। देखें, थ्री ब्रांचेस में से एंटर हो रहा है और फोर ब्रांचेस में से लीव कर रहा है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सम ऑफ एंटरिंग एंड लीविंग मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, या एंटरिंग करंट शुड बी इक्वल टू लीविंग करंट। ये हो गया किरचॉफ करंट रूल, या किरचॉफ पॉइंट लॉ भी इसे कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम आते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट मस्ट बी जीरो, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए मैं आपको जो टिप्स बताऊंगा, आपने वो टिप्स जहन में रखनी है, मेमोराइज करनी, और उनकी बेस पर जब आप प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इसका मेन थीम ये है कि जो एनर्जी सर्किट को प्रोवाइड की जाती है, या जो गेन ऑफ एनर्जी है, वो इक्वल होना चाहिए लॉस ऑफ एनर्जी के, सो दैट इट बिकम्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो यूज होनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो यूज होनी है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और सिंपली वोल्टेज। E से डिनोट करते हैं, ये वर्क पर यूनिट चार्ज है। नाउ लिसन, वर्क को क्या लिखा जा सकता है, एनर्जी। सो EMF इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो एनर्जी की इक्वेशन क्या बनेगी, आप डेल क्यू को मल्टीप्लाई कर दें E से, तो एनर्जी बिकम्स E डेल क्यू। अब ये इक्वेशन आपने वहां यूज करनी है जहां पे कोई बैटरी लगी हो, ठीक। इस इक्वेशन के साथ प्लस माइनस का साइन कैसे यूज होना है वो जरा गौर से समझना। लेट्स से कि आपके पास बैटरी का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। मैं यहां पर एक लेवलिंग भी क्रिएट कर रहा हूं को समझाने के लिए। लेट्स से करंट एंटर हो रहा है पॉजिटिव साइड में और लीव कर रहा है नेगेटिव साइड से। तो आपको पता है कि पॉजिटिव पोटेंशियल हाई होता है और नेगेटिव पोटेंशियल लो होता है। इट मींस पहले आप किस पोटेंशियल पर थे, हाई पर, और अब आप किस पे आ गए, लो पर। तो अगेन लिसन, अगर करंट हाई में एंटर होके लो से लीव कर रहा है, तो इट मींस कि आप हाई से लो की तरफ आ रहे हैं। अब ये एरो देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि एनर्जी के साथ साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का। अगर आप एंटर हो रहे हैं नेगेटिव साइड में और लीव कर रहे हैं पॉजिटिव साइड से, तो आप लो पोटेंशियल से किसकी तरफ जा रहे हैं, हाई की तरफ। ये रहा लो पोटेंशियल, ये रहा हाई पोटेंशियल, आप लो से जा रहे हैं हाई की तरफ, तो एनर्जी का साइन क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। ये दो कन्वेंशन जहन में रखनी। तो EMF से E del Q, ये हम बैटरी के अक्रॉस यूज करेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैटरी, वो तो EMF हो गया, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर कर दें, ठीक है, ये रेजिस्टर आपने ध्यान में रखना। वोल्टेज V, वो भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। एनर्जी को लिखा जा सकता है V del Q, जैसे ये लिखा है E del Q। रिमेंबर दैट EMF और वोल्टेज के यूनिट सेम होते हैं, लेकिन ये जो V है, ये पोटेंशियल ड्रॉप हम ले रहे हैं अक्रॉस रेजिस्टर। E है अक्रॉस बैटरी और V है अक्रॉस रेजिस्टर। V इज इक्वल टू IR यहाँ पे लिख दिया। तो ये दो बातें आगे लेकर अब चलनी है हमने, कि अक्रॉस बैटरी हम एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे E del Q, अक्रॉस रेजिस्टर हम एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे IR del Q। सिर्फ तीन बातें अगले पेज पर आपने लेकर जानी है इस पेज से। बैटरी में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए तो साइन नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आए तो साइन पॉजिटिव। रेजिस्टर पे आपने बिना किसी और चीज को सोचे एक बात याद रखनी है कि जब भी करंट रेजिस्टर से पास करे, आपने उसका जो साइन है वो नेगेटिव ही कंसिडर करना है, माइनस आई आर डेल क्यू। यानी यही अज्यूम करना है कि रेजिस्टर से जब भी करंट पास करेगा तो इट विल लूज इट्स एनर्जी। अब हम एक लूप सॉल्व करते हैं, जो कि बुक में भी गिवन है, कि हमारे पास एक बैटरी लगी है E1, एक बैटरी लगी है E2, एक रेजिस्टर है R1 और एक रेजिस्टर है R2। क्या स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं इसको सॉल्व करने के लिए? नंबर वन,
आपने सपोज कर लेना है कि कोई एक बैटरी जो है वो बड़ी है, लेट्स से E1 इज ग्रेटर देन E2, सो मेन करंट सप्लाइंग बैटरी विल बी E1। फिर इसी तरह अगली चीज सपोज कर लें कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से किस तरफ है, नेगेटिव की तरफ, तो आपने सिंपली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक लूप करंट ड्रॉ कर देना, इस करंट का नाम रख दें I। अब देखें चार्ज ने इस पॉइंट से चलना शुरू करना है, तो लेट्स से ये चार्ज जो अपना सफर शुरू करेगा, अब चूंकि ये सफर हाई टर्मिनल से स्टार्ट कर रहा है, हाई टर्मिनल से इस चार्ज के पास जो एनर्जी है वो हम लिखेंगे E1∆Q, यानी ये बैटरी इस चार्ज को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अब ये चार्ज और करंट जब R1 में से गुजरेगा, तो मैंने कहा कि रेजिस्टर के साथ आपने सिर्फ नेगेटिव साइन यूज करना है, माइनस I R1, ये हो गया V, 7 मल्टीप्लाई हो गया ∆Q, ठीक है। फिर ये करंट इस बैटरी में एंटर होगा और लीव करेगा, एंटर किस में हो रहा है, हाई में, लीव कहाँ से कर रहा है, लो से, हाई से लो की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव साइन। और बैटरी के लिए मैंने इक्वेशन की शेप दी थी आपको E∆Q, तो यहाँ पे 2 बैटरी है तो E2∆Q आ जाएगा। फिर रजिस्टर आ गया, पहली बात तो बिना सोचे रजिस्टर के लिए माइनस साइन लगा दें। अब R2 है, करंट I है, I R2 साथ ∆Q, इट मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी चार्ज फिर सर्कुलेट करके नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच जाएगा। अब बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम है इस चार्ज को नेगेटिव से फिर कहां पर पुश करे, पॉजिटिव की तरफ, और यही चीज कहलाती है EMF, कि द बैटरी विल डू अ वर्क ऑन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड दैट एनर्जी प्रोवाइडेड टू द चार्ज इज कॉल्ड EMF। अब इसमें से डियर स्टूडेंट्स ∆Q कॉमन होगा और दूसरी तरफ जाके वो भी 0 हो जाएगा, तो अब अगर हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो E1 - IR1 - E2 - IR2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये सब की सब इक्वेशंस पोटेंशियल की हैं, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इन अ क्लोज लूप दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सर्किट मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट। अब ये तो हो गया एक सिंगल लूप क्वेश्चन। अगर आपके पास एक से ज्यादा लूप्स आ जाए, जैसे ये 2 लूप्स हैं, ये मैंने आप बुक का सेकंड 13 चैप्टर के सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल की डायग्राम बनाई है, कि आपके पास 2 लूप्स हैं, तो सबसे पहले लूप्स को नाम देना है, ये जैसे मैंने यहाँ पे लूप 1 और लूप 2 कंसिडर कर लिया है, आप इसे लूप 1 और इसे लूप 2 भी कंसिडर कर सकते हैं, तो लेट्स हम इसी कंसिडरेशन से चलते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं। सेम उसी तरह सबसे पहले आप ये सपोज कर लें कि कोई एक बैटरी बड़ी है और उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन सेट कर लें, इससे नहीं घबराना कि आप करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, कोई भी कर लें, सिर्फ एंड पे साइंस का फर्क पड़ सकता है, अदरवाइज जो मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट है उसका आंसर सेम रहेगा। लेट्स से मैं सपोज कर लेता हूँ कि जी E1 बैटरी ग्रेटर है E2 से, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा, अब इसमें नई बात क्या है, क्योंकि 2 लूप्स हैं करंट भी 2 हो जाएंगे, यहां पे करंट कहलाएगा I1 और इस करंट को हम नाम देंगे I2 का। रिमेंबर जो डायरेक्शन करंट की आपने लूप 1 में रखनी है, सेम वही डायरेक्शन आपने लूप 2 में रखनी है। अब चूंकि 2 लूप्स हैं तो लूप इक्वेशंस भी 2 बनेंगी, फॉर लूप 1 और इसी तरह फॉर लूप। एक चीज यहां से मैं रिवाइज करा दूं, देखें कंपोनेंट्स कितने थे, 1 2 3 4, इक्वेशंस भी कितनी बन रही है, 1 2 3 4। अब जिस लूप में जितने कंपोनेंट्स हों उतनी यहां पर टर्म्स आनी चाहिए, जैसे हम यहां से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट हम ले रहे हैं हाई टर्मिनल से, तो यहां पर आएगा E1 यानी +E1 आएगा, फिर सर्कुलेट करता हुआ करंट R2 में से गुजरेगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आगे आने वाले टॉपिक्स में भी काम आएगा। R2 में एक करंट नहीं है, 2 करंट्स हैं।
आई वन जा रहा है डाउनवर्ड और आई टू इसमें जा रहा है अपवर्ड। अगर हम इसको पॉइंट कंसीडर कर लें तो एक करंट इसमें एंटर हो रहा है और एक करंट इसको लीव कर रहा है। सो आप जिस लूप को सॉल्व कर रहे हैं उस लूप के करंट को आपने पॉजिटिव रखना है और उसके अगेंस्ट जो करंट है उसको आपने नेगेटिव रखना है। अब हम कैसे लिखेंगे कि करंट आर टू में से पास कर रहा है, तो पहले तो मैं नेगेटिव साइन इसलिए लिखूंगा कि ये रेजिस्टर है, फिर मैं लिखूंगा आई वन माइनस आई टू, एंटरिंग करंट आई वन, लिविंग करंट आई टू, और साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा आर टू। तो ये अगर इसको एज अ होल देखें तो आई आर इक्वेशन ही बन रही है। सो लूप में उस रेजिस्टर का ध्यान रखिएगा जो दोनों लूप्स के दरमियान में है, और ये भी याद रखना कि उसमें से दोनों करंट्स पास कर रहे हैं, आई वन भी और आई टू भी, दो कंपोनेंट्स हो गए एक दो। अब तीसरे में से पास करते हैं तो इसमें से जो करंट पास करेगा चूंकि रेजिस्टर है तो नेगेटिव साइन, करंट आई वन है रेजिस्टर आर वन है, कंपोनेंट्स भी तीन है, टर्म्स भी तीन बन गई, आगे बस आपने इक्वल्स टू क्या लिख देना, जीरो लिख देना। अच्छा अब आ जाए लूप टू पर, दो कंपोनेंट्स हैं तो दो इक्वेशन। देखें करंट को थोड़ा सा घुमा के देख लेना, करंट कर क्या रहा है, करंट को फ्लो करते हुए देखें तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी लो से किस तरफ आ रहा है, हाई की तरफ, तो इसका साइन क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव ई टू। फिर रेजिस्टर आ गया और रेजिस्टर वो है जो दोनों लूप्स के दरमियान है। अब आप आई टू को सॉल्व कर रहे हैं तो आई टू एंटरिंग है और आई वन लीविंग है। नंबर वन माइनस साइन क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टर है। फिर किरचॉफ फर्स्ट लॉ से आई टू माइनस आई वन आर टू, दो कंपोनेंट्स बनेंगे क्योंकि दो ही एलिमेंट्स हैं, तो इट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आपने गौर से सुनना है, बार बार मेरी बात को सुन के एब्जॉर्ब करना है कि सेंट्रल रेजिस्टर को आपने कैसे सॉल्व करना है। बाकी मैं कोई डिफरेंट चीज नहीं कर रहा, हाई से स्टार्ट लेता हूं तो पॉजिटिव, रेजिस्टर में से पास करता हूं तो नेगेटिव, लेकिन जो रेजिस्टर दोनों लूप्स में है उसमें दोनों करंट्स का डिफरेंस जो है वो इन्वॉल्व होगा। सेम इसी तरह आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13.6, काफी डिटेल्ड एग्जाम्पल लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको इसकी लूप इक्वेशंस बना के, तो लूप इक्वेशंस बनाने के बाद फिर मैं आपको इसकी कुछ डायरेक्ट वैल्यूज इवेल्युएशन बताऊंगा। जैसे बुक में, बुक के अकॉर्डिंग इसमें जो करंट की डायरेक्शन ली हुई है वो क्लॉकवाइज ली हुई है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन ली है उसमें इस लूप के करंट का नाम आई वन है और इस लूप के करंट का नाम आई टू है। यहाँ पे तमाम EMFs की और रेजिस्टर की वैल्यूज गिवन है, मैं वो वैल्यू साथ साथ यूज भी करता रहूंगा। अब आपने बनानी है इक्वेशन, आप लिखेंगे फॉर लूप वन। अब लूप वन में इस पॉइंट से स्टार्ट ले लें और हर कंपोनेंट से गुजरते हुए इस पॉइंट तक आ जाए। स्टार्ट आप ले रहे हैं नेगेटिव से तो आप लिखेंगे माइनस ई वन, लो से स्टार्ट ले रहे हैं, रेजिस्टर में से गुजर रहे हैं तो माइनस, करंट है आई वन, रेजिस्टर है आर वन। अब यही करंट आर टू में से गुजर रहा है, देखिए आर टू किस में आ गया, दोनों ब्रांचेस में, दोनों लूप्स के दरमियान है, तो आप पहले तो लिखेंगे माइनस साइन क्योंकि रेजिस्टर है। अब आपका मेन करंट कौन सा जो आप सॉल्व कर रहे हैं, आई वन, तो आई वन पहले रखें, आई टू बाद में रखें और साथ मल्टीप्लाई कर दें आर टू, इसमें से भी गुजर गया। अब आपका करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो प्लस ई टू आएगा, कंपोनेंट्स पूरे हो गए तो मस्ट बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। लूप टू, लूप टू में लेट से फिर आप यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं, स्टार्ट नेगेटिव से ले रहे हैं माइनस ई टू, आर टू में से करंट गुजर रहा है तो माइनस, अब आप सॉल्व किस करंट को कर रहे हैं आई टू को, माइनस क्या आएगा आई वन आर टू, फिर करंट फ्लो करता हुआ आर थ्री में से गुजरेगा तो रेजिस्टर की वजह से नेगेटिव साइन, करंट है आई टू और रेजिस्टर की वैल्यू है आर थ्री,
और फाइनली फिर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो साइन प्लस आएगा, यहाँ पे ई थ्री आ जाएगा। कितने कंपोनेंट्स हो गए, एक दो तीन चार, कितने टर्म्स बन गई, एक दो तीन चार, मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। अब इस एग्जांपल का टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि हर रेजिस्टर में से करंट की वैल्यू फाइंड करनी, कौन सा करंट किस रेजिस्टर में से पास कर रहा है। यहीं पे सुन लें, आई वन पास कर रहा है आर वन में से, आई टू पास कर रहा है आर थ्री में से, और आर टू में से कितना करंट पास कर रहा है, ये करंट आर टू में से पास कर रहा है, या आई वन माइनस आई टू या आई टू माइनस आई वन। वो एंड पे हम देखेंगे कि जिसकी वैल्यू भी ग्रेटर हुई हम उस ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस है या नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है, ई वन की ये वैल्यू, आर वन की ये वैल्यू, आर टू वैल्यूड है, ई टू भी वैल्यूड है, इन शॉर्ट इन इक्वेशंस को नाम दे लें इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का, दोनों की वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज पुट करने के बाद जो डायरेक्ट आंसर आता है, मैं यहाँ पर वही डायरेक्ट आंसर जो है वो मेंशन कर रहा हूँ कि लूप वन, लूप वन और इसी तरह लूप टू के जो डायरेक्ट आंसर्स आते हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। लूप वन का आंसर आता है 4i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू 2, और लूप टू का आंसर आता है 6i1 माइनस 9i2 इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशंस को फर्दर कैसे सॉल्व करना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी। जैसे इनमें से कोई एक करंट हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, लेट्स से i2 को एलिमिनेट करते हैं। अब अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 12i1 माइनस 9i2 इज इक्वल टू 6, और इसके नीचे ये इक्वेशन लिख दें 6i1 माइनस 9i2 इज इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट करें 12 में से 6 आ जाएगा 6i1, ये फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू आ जाएगा 4। I1 की वैल्यू 4/6 या फिर इसे लिखा जा सकता है 2/3, ठीक है। अब I1 की वैल्यू, लेट्स से आप यहाँ I1 की जगह पुट करेंगे तो आपके पास आंसर I2 का भी आ जाएगा, वो आ जाएगा 2/9 एम्पेयर। तो देखें I1 का आंसर आ गया, I2 का भी आंसर आ गया। अब I1 किस रेजिस्टर में से गुजर रहा है, R1 में से, I2 किस में से गुजर रहा है, R3 में से, R2 में से कितना गुजर रहा था, I1 माइनस I2, ये करंट किस में से पास कर रहा है, R2 में से। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो वो जो डिफरेंस है I1 माइनस I2 उसमें 2/3 माइनस 2/9, द आंसर कम्स आउट टू बी 0.44 एम्पेयर्स। तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस आपको लूप इक्वेशंस जो हैं वो ड्रॉ करनी आ जाए तो आप इसका रिजल्ट आंसर इजीली निकाल सकते हैं। और फाइनली जो आपके चैप्टर 13 में लास्ट न्यूमेरिकल है, सेम उस न्यूमेरिकल की भी मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, मैं आपको लूप इक्वेशन बना के दूंगा, आपने इसी तरह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है। तो लेट्स से मैं इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सपोज कर लेता हूँ, ये I1 और ये करंट की डायरेक्शन सेम है I2 कह लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लूप वन और फिर लिखेंगे लूप टू। तो लूप वन और लूप टू को सॉल्व करने के लिए यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सफर करना है। कंपोनेंट्स कितने, एक दो तीन चार पाँच, पांच टर्म्स बननी चाहिए। तो E1 चूंकि हम पॉजिटिव से स्टार्ट ले रहे हैं, E1 पॉजिटिव हो जाएगा, रजिस्टर 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 रजिस्टर, यहीं आगे जितने साइन आएंगे वो माइनस के ही आएंगे, माइनस I1 R1, डन। R2 में से माइनस I1 R2, ये भी डन। अब R3 दोनों लूप्स का हिस्सा है तो माइनस I1 माइनस I2 R3, ये भी डन। फिर R4 है, माइनस I1 R4, दैट ऑल मस्ट बी इक्वल टू 0। टर्म्स एक दो तीन चार और पाँच। अब आ जाए लूप टू पर, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा,
माइनस ई टू, आर सिक्स में से गुजरना है, माइनस आई टू आर सिक्स, फिर माइनस आर थ्री है दोनों लूप्स में, तो क्या लिखेंगे, आई टू माइनस आई वन इंटू आर थ्री, ये भी डन। फिफ्थ रेजिस्टर में से आ रहे हैं माइनस आई टू आर फाइव, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो सेकेंड लूप में कंपोनेंट्स एक दो तीन चार हैं, टर्म्स भी एक दो तीन चार, एंड ऑल पोटेंशियल चेंजेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ तक आपने ये वैल्यूज जो है इनकी पुट करनी है, आई वन की वैल्यू, आई टू की वैल्यू, ये दो वैल्यूज निकालनी। फिर इन रेजिस्टर्स में देखें, जो सिंगल है ना, जो किसी और ब्रांच का हिस्सा नहीं है, इनमें से करंट आई वन रहेगा, इन दोनों में करंट आई टू रहेगा, लेकिन इसमें जो करंट है वो डिफरेंस ऑफ आई वन एंड आई टू के इक्वल होगा। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स हैं किरचॉफ लॉज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है, इट जस्ट नीड प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे आप उतने ज़्यादा इसमें एक्यूरेट हो जाएंगे, इसको सॉल्व करने में आपको आसानी मिलेगी। तो ये एंटी टेस्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एम कैट टी कैट दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक इसको सुने, समझने की कोशिश करें, अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़।